फ्रेंड, जैसे आपके एंड्रॉयड मोबाइल के अंदर एंड्रॉयड एप्लीकेशन चलती है, अगर आपको वही एंड्रॉयड एप्लीकेशन आपको अपने लैपटॉप या फिर कंप्यूटर में चलानी है तो हमें काफी प्रॉब्लम आती है, क्योंकि हमारा जो लैपटॉप और कंप्यूटर होता है उनके अंदर विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, जिसके अंदर सिर्फ विंडोज सॉफ्टवेयर ही चल सकते हैं। लेकिन आज अगर आपको कोई भी एंड्रॉयड एप्लीकेशन जो आप अपने मोबाइल के अंदर यूज करते हैं वो आपको अपने लैपटॉप या फिर कंप्यूटर में चलानी है तो आप बहुत ही आसानी से उसको चला सकते हैं। सो गाइज, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बिल्कुल डिटेल में बताने वाला हूँ, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप, कि अगर आपको कोई भी एंड्रॉयड एप्लीकेशन अपने लैपटॉप या फिर कंप्यूटर में चलानी है तो आप कैसे चला सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड, बिना टाइम वेस्ट करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले फ्रेंड आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया जल्दी से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली ऐसी अमेजिंग वीडियो आपको सबसे पहले मिलती रहे। चलिए फ्रेंड, आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो गाइज, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको थोड़ा सिस्टम के बारे में बता देता हूँ, चाहे वो लैपटॉप हो या फिर डेस्कटॉप हो। अगर आपके सिस्टम के अंदर जो है i3 या Ryzen 3 अगर आपका प्रोसेसर है तो चल जाएगा, या इससे ऊपर का कोई भी, चाहे वो i5 हो i7 प्रोसेसर हो, तो वो जो है बेस्ट रहेगा। बस आपको ध्यान रखना है कि आपके सिस्टम के अंदर i3 या Ryzen 3 अगर आप यूज करते हैं तो इससे नीचे के प्रोसेसर, जो पुराने प्रोसेसर है, वो नहीं होने चाहिए, वरना जो ये सॉफ्टवेयर चलेगा नहीं, बिल्कुल आपका सिस्टम जो है हैंग हो जाएगा। दूसरा फ्रेंड, आपके सिस्टम के अंदर 4GB कम से कम रैम होना चाहिए, 4GB भी चल जाएगा, लेकिन जो है इतनी स्मूथली परफॉर्मेंस आपको देखने को नहीं मिलेगी। अगर आप जो है रैम को अपग्रेड कर सकते हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप रैम को अपग्रेड कर लीजिए, 8GB आपके सिस्टम के अंदर रैम होगी तो ये जो है बिल्कुल स्मूथली आपके सिस्टम के अंदर वर्क करेगा। अपने सिस्टम के अंदर रैम को कैसे अपग्रेड किया जाता है, कौन सी रैम हमें बाय करनी चाहिए, इसके ऊपर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूं, ऊपर आपको आई बटन में वीडियो मिल जाएगा, तो आप उस वीडियो को देख के घर पे जो है अपने सिस्टम के अंदर रैम को अपग्रेड कर सकते हैं। तो गाइज, ये तो बात हो गई कि हमारे सिस्टम के अंदर रिक्वायरमेंट क्या क्या होनी चाहिए, अब मेन मुद्दे पे आते हैं कि इसे हम कैसे रन करेंगे। फ्रेंड, कोई भी एंड्रॉइड एप्लीकेशन अपने लैपटॉप कंप्यूटर में चलाने के लिए आपको सबसे पहले करना है कि आपको अपने सिस्टम में गूगल को ओपन कर लेना है, उसके बाद ऊपर सर्च बार पे क्लिक करना और टाइप कर लेना है MSI प्लेयर। आप देख रहे हैं MSI प्लेयर आपको टाइप करना है और इसको सर्च कर लेना है। सर्च करने के बाद आपके सामने फर्स्ट वेबसाइट आएगी, MSI ऐप प्लेयर एक्स ब्लू स्टॉक्स, आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने MSI का होम पेज ओपन हो जाएगा। अभी आपको यहाँ पर डाउनलोड के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर जो है एक छोटी सी जिप फाइल डाउनलोड होगी, जिसको ड्रैग करके हम डेस्कटॉप पर लेके चले जाते हैं और यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। तो फ्रेंड, आप देख रहे हैं जो जिप फाइल हमने डाउनलोड की थी वो यहाँ पर डेस्कटॉप पर आ गई है। अभी आपको सिंपली इसे एक्सट्रैक्ट करना है, उसके लिए हम राइट क्लिक करेंगे और एक्सट्रैक्ट हेयर के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये फाइल जो है हमारी एक्सट्रैक्ट हो जाएगी और आपके सामने डेस्कटॉप पर ये वाला आइकन आपको देखने को मिलेगा, जिसके अंदर लिखा है MSI ऐप प्लेयर। फ्रेंड, आपको करना क्या है, इसके ऊपर डबल क्लिक करके इसे जो है डाउनलोड कर लेना है। तो करीबन जो यहाँ पर ये 400 MB की एक फाइल होगी जो कि डाउनलोड होगी। जब ये डाउनलोड कंप्लीट हो जाएगी तब एक और छोटी सी फाइल यहाँ पर डाउनलोड होगी जो कि 67 MB की होगी। तो मैं फटाफट जो है इसको डाउनलोड कर लेता हूँ। फ्रेंड, जैसे डाउनलोडिंग कंप्लीट होगी आपको डेस्कटॉप पर ये दो आइकन मिलेंगे, जिसमें जो है फर्स्ट जो आइकन है इसके अंदर लिखा है MSI ऐप प्लेयर और दूसरे पे यहाँ पर लिखा है MSI ऐप प्लेयर 5। तो यहाँ पर फ्रेंड जो ये वाला है ये हमारे कोई काम का नहीं है, इसको जो है डेस्कटॉप पे आपको रखना है, ऐसा नहीं इसको डिलीट करना है, ये आपको रखना है। दूसरा जिसके ऊपर लिखा है MSI ऐप प्लेयर 5, ये जो है अभी आपको करना क्या है, इसके ऊपर आपको जो है डबल क्लिक करना है। तो हम जो इसे डबल क्लिक करके ओपन कर लेते हैं। जैसे आप इसको ओपन करेंगे तो जो इसका इंटरफेस है वो आपको यहाँ पर जो कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा। ये थोड़ी सी प्रोसेसिंग होगी, उसके बाद जो मैं आपको दिखा देता हूँ इसका जो इंटरफेस है वो आपको कैसा देखने को मिलेगा। जो इसका इंटरफेस आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा। अभी आपको करना है कि यहाँ पर प्ले स्टोर दिखाई देगा, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर साइन इन कर लेना है अपनी गूगल आईडी से। तो मैं यहाँ पर साइन इन पे क्लिक करता हूँ और जो भी हमारा जो गूगल आईडी है वो यहाँ पर डाल के जो मैं फटाफट इसको साइन इन कर लेता हूँ। तो आप भी जो इसको जो है फटाफट लॉग इन कर लीजिए। तो फ्रेंड, आप देख रहे हैं यहाँ पर जो है हमने प्ले स्टोर के अंदर लॉगिन कर लिया है। अभी जैसे आप अपने एंड्रॉयड मोबाइल के अंदर एप्लीकेशन को डाउनलोड करते हैं प्ले स्टोर से, वैसे ही अब जो है आप अपने लैपटॉप और कंप्यूटर में भी यहाँ पर जो है डाउनलोड कर सकते हैं। एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पर जो है आपको कुछ डाउनलोड करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर जो है हम डाउनलोड कर लेते हैं, मैं यहाँ पर डाउनलोड कर लेता हूँ VN एप्लीकेशन। तो यहाँ पर जो आप देख रहे हैं VN ऐप है जो कि वीडियो एडिटिंग के काम आता है, आप देख रहे हैं काफ़ी पॉपुलर है।
तो इसको जो हम डाउनलोड करने वाले हैं सिंपली इंस्टॉल के ऊपर क्लिक करेंगे और जैसे ही हमारे मोबाइल के अंदर प्ले स्टोर चलते हैं वैसे अब हमारे लैपटॉप और कंप्यूटर में भी चलेगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं डाउनलोडिंग लगना स्टार्ट हो चुका है और बिल्कुल जो मोबाइल की तरह आप ऊपर स्लाइड डाउन यहाँ पर जो है स्लाइड डाउन करके देख सकते हैं कितना डाउनलोड हो गया है। बिल्कुल जैसे अपने मोबाइल के अंदर हम प्ले स्टोर यूज करते हैं वैसे अब जो है हम अपने लैपटॉप और कंप्यूटर में भी कर पाएंगे। तो फटाफट जो मैं इसको डाउनलोड कर लेता हूँ उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि ऐसे आप जो कोई भी एप्लीकेशन अपने लैपटॉप कंप्यूटर में डाउनलोड करते हैं तो उसको यूज कैसे करना है, इस्तेमाल कैसे करना है, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप जो मैं आज की इस वीडियो के अंदर आपको बताने वाला हूँ। तो फटाफट जो ये इसको जो है डाउनलोड कर लेते हैं। लगभग जो ये डाउनलोड हो चुकी है तो 99 और ये यहाँ पर जो है इंस्टॉलिंग पे लग गया है। तो फटाफट जो इसको इंस्टॉल होने देते हैं उसके बाद जो मैं आपको बताता हूँ इसे यूज कैसे करना है। तो गाइज आप देख रहे हैं यहाँ पर जो VN एप्लीकेशन है जो कि वीडियो एडिटिंग एप्लीकेशन है आई होप आपको पता होगा। तो यहाँ पर जो ये हमारा सक्सेसफुल यहाँ पर जो इंस्टॉल हो चुका है। अभी आपको करना क्या है इसको बैक कर देना है। यहाँ पर आपको जो है रिसेंट का जो ऑप्शन मिल जाता है इसके ऊपर आप क्लिक करके जैसे हम अपने मोबाइल के अंदर सभी ऐप को जो है रिमूव करते हैं वैसे आप जो यहाँ पे क्लिक करके सभी एप्लीकेशन को रिमूव कर दीजिए। यहाँ पर आपका जो VN वीडियो एडिटर एप्लीकेशन है हमने यहाँ पर डाउनलोड किया था वो यहाँ पर आ चुका है और इसका आइकन आपको डेस्कटॉप पर भी देखने को मिलेगा। आप देख रहे हैं ये रहा VN एप्लीकेशन का आइकन आपको डेस्कटॉप पर भी यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। अभी आप यहाँ पर डबल क्लिक करेंगे तो ये जो है आपका MSI प्लेयर के अंदर ओपन हो जाएगा। तो अभी यहाँ पर जो मैं आपको बता देता हूँ कोई भी एप्लीकेशन आप जो है MSI प्लेयर के अंदर डाउनलोड करते हैं जब आप उसको चलाएंगे तो वो आपके MSI प्लेयर के अंदर ही चलेगा। ये एक एमुलेटर है जिसके अंदर एंड्रॉयड एप्लीकेशन चलती है। तो यहाँ पर जो है हम VN एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो जैसे हमारे मोबाइल के अंदर चलता है वैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर जो है एक पोर्ट्रेट मोड में जो है स्क्रीन आ गई है और अब जो हम यहाँ पर जो है अपनी वीडियो एडिटिंग वगैरह कर सकते हैं। सेम जैसे आप जो है अपने मोबाइल के अंदर यूज़ करते हैं वैसे आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। यहाँ पर आप प्लस पर क्लिक करेंगे, न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करेंगे, जैसे VN एप्लीकेशन को यूज़ करते हैं। VN एप्लीकेशन के बारे में मैंने एक वीडियो बना रखा है कि इसको कैसे यूज़ किया जाता है, ऊपर आपको आई बटन में वीडियो मिल जाएगा। अगर आपको VN एप्लीकेशन का नहीं पता है कैसे यूज़ करना है तो आप जो उस वीडियो को देख के सीख सकते हैं। तो अभी जो है आप आसानी से कोई भी जो है यहाँ पर ऐप जो एंड्रॉयड एप्लीकेशन है वो आप जो है अपने कंप्यूटर लैपटॉप में आसानी से चला सकते हैं। अब फ्रेंड कोई भी एंड्रॉयड एप्लीकेशन हो जो आपको अपने लैपटॉप या फिर कंप्यूटर में चलानी हो वो आप इजीली यहाँ पर जो है डाउनलोड कर सकते हैं, चाहे फिर वो कोई गेम हो या फिर कोई जो है एप्लीकेशन हो। जैसे कि हम कोई गेम करना चाहते हैं तो प्ले स्टोर पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर जो है हम कोई सर्च कर लेते हैं जैसे कॉल ऑफ ड्यूटी है तो मैं यहाँ पर टाइप कर लेता हूँ कॉल ऑफ ड्यूटी ये रहा और इसको सर्च करेंगे तो आप देख रहे हैं यहाँ पर इजीली आ गया कॉल ऑफ ड्यूटी। आप सिंपली इंस्टॉल पे क्लिक करके इसको जो है डाउनलोड करके अपने सिस्टम के अंदर चला सकते हैं। गेम ये वैसे तो काफ़ी हैवी गेम है, अगर आपका सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन काफ़ी हाई है, अच्छा आपका हैवी सिस्टम है तो आप जो गेम वगैरह भी खेल सकते हैं। अदरवाइज आपको सभी एंड्रॉयड एप्लीकेशन यहाँ पर मिल जाएगी, आप उनको इजीली जो है यहाँ पर डाउनलोड करके यूज़ कर सकते हैं। सो गाइज आई होप कि आज का वीडियो आपको काफ़ी अच्छा और यूजफुल लगा होगा। वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बता देना। अगर ये वीडियो देखने के बाद आपको कहीं पर डाउट है या आप कुछ पूछना चाहते हैं कहीं पर प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं फ्रेंड ऐसे एक और नेक्स्ट वीडियो में।